नाउ एनीवन कैन शेयर सर इट इज लाइव हेलो हो गया सर हो गया ना थैंक यू तो नमस्कार दोस्तों मैं रोहित गुप्ता फार्मासिस्ट की आवाज आपकी आवाज में आपका स्वागत है ये फर्स्ट टाइम हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है और बहुत सारे चैनल पे भी डिबेट चल रहा है कि भाई फार्मासिस्ट एलोपैथी बेटर है या आयुर्वेदिक बेटर है तो इस पे हम लोगों ने डिबेट स्टार्ट किया है कि आखिर बेटर कौन है और कौन डिसाइड करेगा हु विल डिसाइड तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष यादव जी जो कि पीएचडी हैं कर रहे हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन जायसवाल जो कि लगातार एज ए ड्रग काउंसलर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं एज ए कॉग्निटिव फार्मासिस्ट तो हमारी उसी पे डिस्कशन है कि आखिर कौन डिसाइड करेगा कि बेटर कौन है आयुर्वेदिक एलोपैथी क्योंकि हम जब देखते हैं कि भाई हमारा जो कहीं भी हमारी जो प्रोफेशन है वो गाइड किया जा रहा है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी है मॉलिक्यूल स्क्रीनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक एक फार्मासिस्ट करता है परंतु यहाँ देखा जा रहा था कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है कई चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है तो हमें इस पर आवाज उठाने की जरूरत है क्योंकि हमारी प्रोफेशन कहीं ना कहीं उस पर लोग उस पर कहीं ना कहीं एक हमारे प्रोफेशन को ऑक्युपाइड कर रहे हैं तो इसी पर हम लगातार कंटिन्यू चर्चा करने के लिए हर्ष यादव से है तो मैं हर्ष यादव से पूछूंगा क्या मतलब आपकी क्या राय है इसमें कि आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी का जो डिबेट चल रहा है तो उसमें कौन राइट पर्सन है उस थैंक यू रोहित सर फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ एंड आई वेलकम ऑल माई व्यूवर्स हु जॉइन अस टू लिसन दिस डिबेट ऑन विच पैथी इज बेटर डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट तो मैं अपनी बात इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि जो एलोपैथी है और जो आयुर्वेदिक है दोनों में ही मेडिसिन पेशेंट को दिया जाता है पर ये जो मेडिसिन जो बनती है इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्पेंसिंग तक का कार्य जो है वो एक फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात देखते हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता का निर्धारण करती है तो यहाँ कोई डॉक्टर कार्यरत नहीं रहते वहां फार्मासिस्ट ही कार्यरत होते हैं जो उसकी एफिकेसी थेरेप्यूटिक इंडेक्स साइड इफेक्ट ये जितने भी आप लीफलेट्स में पीछे जो आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन आरएक्स लिखा हुआ ये फार्मासिस्ट द्वारा ही बनाया जाता है तो जब ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का यहाँ डिबेट पूरा चल रहा है तो डॉक्टर का काम होता है डायग्नोसिस करना किसी भी डिजीज का उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है और जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की बात है तो हमारे देश में बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो एक्यूट जो केसेस हैं उसके लिए एलोपैथिक ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो उनके राइट में भी नहीं आते तो कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर डिपेंडेंट हैं मेडिसिन पे क्योंकि वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो इसमें मेरा यही मानना है कि हर जो पैथी है वो अपने जगह पे बेटर होती है क्योंकि हर पैथी के अपने लिमिटेशंस होते हैं और उनके बेनिफिट्स भी होते हैं जनरली लोग एलोपैथी को तब प्रिफर करते हैं जब बात जान पे आ जाती है और जब आयुर्वेदिक की बात होती है तो हर जो मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर है हमें किसी भी चीज मॉलिक्यूल की जो जानकारी है वो नेचर से ही मिलती है रॉल्फिया सर्पेंटीना है विनका रोजिया है जैसे विनका रोजिया से विन क्रिस्टिन विन प्लास्टिन जो एंटी कैंसर ड्रग है तो इनके बारे में हमें पता मिलता है प्लांट से आयुर्वेदिक भी वो ड्रग को प्रोवाइड करेगी पर जब एलोपैथी की बात आते हैं तो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे काम करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एक मोइटी होती है इस कारण उसके साथ साइड इफेक्ट जुड़े हुए होते हैं पर आयुर्वेदिक में साइड इफेक्ट नहीं होते तो जितने भी हमारे भारत में हैं और जो आयुर्वेदिक के फैन हैं वो हमेशा प्राइमरी ट्रीटमेंट में घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक मेडिसिन पे डिपेंड होना चाहते हैं और जब बात जान पे बनती है तब लोग एलोपैथी में मुंह करते हैं होम्योपैथी भी एक ऑप्शन रहता है तो जो स्लो ट्रीटमेंट है उसमें भी और परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ लोग होम्योपैथी का भी प्रिफर करते हैं बहुत जगह
तो ये अपना अपना विलाई सिस्टम है कि आपकी बॉडी किस पैथी को बियर कर रही है, क्योंकि हर की बॉडी अलग होती है, हर बॉडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है। कई लोगों को दोनों वैक्सीन के डोज लगे इसके बाद भी वो कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई, तो क्या उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ था? और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि कोरोना सब सबके लिए नया है, जो एलोपैथिक है उनके लिए भी नया है, जो आयुर्वेदिक से जुड़े उनके लिए भी नया है। चीजें चलते जा रही है और रिसर्च पेपर आते जा रहे हैं। आप देखेंगे कोविशील्ड के लिए पहले एक महीने का गैप रखा था, एक दो महीने का, आज वही गैप 3 महीने से 4 महीना हो गया। तो हम एक ट्रांजिशन फेज में है, यहाँ किसी भी चीज की बारे में जानकारी नहीं थी। इससे पहले डॉक्टर जो एलोपैथिक से जुड़े हुए थे वो डेक्सामिथासोन को प्रिस्क्राइब कर रहे थे, क्योंकि स्टेरॉइड एक बहुत ही कम पैसे की दवा है और एक मैजिकल ड्रग है, पर इसका इसके साथ जो साइड इफेक्ट जुड़ा हुआ है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इससे जो पेशेंट होते हैं, जनरली जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब हम स्टेरॉइड ड्रग्स को यूज करते हैं, जिसमें प्रिडनिसोलोन 1960 में ढूंढा गया था, मतलब इसके बारे में कि ये बहुत ही मैजिकल ड्रग है जिसमें मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होता है MSC प्रोटीन, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये उसके रिजेक्शन करती है। और आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, तो सॉरी टू इंटरफेयर, आपकी थोड़ी नेटवर्क इशू आ रही है, आवाज कट रही है। इधर तो आवाज क्लियर है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली आवाज थोड़ी आपकी कट रही है, तो ओवरऑल यदि बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों पे यदि देखा जाए तो एक फार्मासिस्ट जो है राइट पर्सन है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल स्क्रीनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टेक केयर वो फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो फार्मासिस्ट जो है वो राइट पर्सन है चीजों को बताने के लिए। बट मैं लगातार टीवी पे डिबेट देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो है वो बता रहे हैं कि कौन सा थेरेपी बेटर है, आयुर्वेदिक बेटर है कि एलोपैथिक बेटर है, तो इस पे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। एक प्रोफेशन को ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, डॉक्टर्स को काम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन सा पैथी बेटर है इसके बीच लड़ाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दोनों किसी भी चीज का एडवांटेज है, विजिलेंस का कोई पैटर्न अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं है सर। अगर आप एलोपैथी से भी ले रहे हैं और आयुर्वेदिक ड्रग भी ले रहे हैं तो आप कौन सी पैथी से ठीक हुए हैं ये कैसे बता सकते हैं, आप ये मुझे बताइए। एग्जैक्टली, तो दोनों अपने अपने यदि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दोनों को काम कर, दोनों को रिसर्च लेवल पे यदि बात करते हैं तो दोनों को करने वाला फार्मासिस्ट ही है। तो हमारे एम.फार्म में बिल्कुल स्पेशलाइजेशन है, एम.फार्म फार्मेसी है, जो आयुर्वेदिक पे बकायदा काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, कई सारे रिव्यू आर्टिकल्स उन्होंने लिखा है कि आयुर्वेदिक पे, बहुत सारे यूनानी पे, तमाम सारी चीजें देखा जाए तो सारे फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो फार्मासिस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी थेरेपी कब किसको देनी है, कब से कौन सी थेरेपी किसमें फायदा है, तो सबके अलग अलग अपने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। तो ये डिबेट चलना ही नहीं चाहिए। और डॉक्टर्स का जो मैं बात करूँ तो उनके डायग्नोसिस का एरिया है, यदि वो डायग्नोसिस पे फोकस करे तो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिबेट ऑन द एलोपैथिक बेटर है या आयुर्वेदिक बेटर है। तो मैं इस पर ही करूंगा। चंदन जसवाल जी से बोलूंगा, आप ही क्या राय है? आप चंदन जसवाल जी, जी ने बिल्कुल उन्होंने पूरी डिटेल में उन्होंने देखा चीज पूरा रिव्यू किया है, उनके लीफलेट देखा है, कब अभी कई सारे लीफलेट में इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो उसके बारे में वो बताएंगे चंदन जसवाल जी। तो क्या ये डिबेट उचित है? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, रोहित सर और हर्ष सर। मैं अभी आप लोगों को मैं सुन रहा था ध्यान से कि भाई इसमें से कंक्लूजन कुछ निकाला जाए। आपका पक्ष, रोहित सर का कोई पक्ष बिल्कुल सही है कि मतलब जो ड्रग की डिस्कवरी से और उसके सारी डिस्पेंसिंग तक सब कुछ फार्मासिस्ट के हाथ में है। हर सर ने भी अपना पक्ष बहुत सही रखा। अब इसको मैं अपने तरीके से कहता हूँ कि जैसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हेल्थ सिस्टम है क्या। हेल्थ सिस्टम में हम अगर हम ध्यान से दें तो डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है और नर्स है। ये तीन पिलर्स बहुत स्ट्रांग पिलर हैं। डॉक्टर का काम डायग्नोसिस है और प्रिस्क्राइबिंग है, फार्मासिस्ट का काम है डिस्पेंसिंग और काउंसलिंग, और नर्स का काम है उसकी केयरिंग। अभी जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग के बाद जो डिस्पेंसिंग का जो मामला है भारत में, वो कहीं ना कहीं सही हाथों में नहीं है। नतीजा भारत में क्या है कि फार्मासिस्ट की नेगलेंस ऑटोमेटिकली है, डॉक्टर ही सब कुछ बन के रह गए हैं। नतीजा आज जो एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेद खड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं इसकी देन भी है कि भारत में फार्मासिस्ट है ही नहीं,
मतलब है तो उनका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं बाहर दिख नहीं रहा है पेशेंट के कनेक्टिविटी के संदर्भों में। तो मैं ये कहूंगा कि हेल्थ सिस्टम में जो मेडिसिन, जैसे अगर हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की इसमें एक बिंदु है जिसमें वो बात कहती है कि औषधि स्वास्थ्य तंत्र की जीवन रेखा है, मतलब मेडिसिन इज द लाइफ लाइन ऑफ हेल्थ सिस्टम। तो अगर जब मेडिसिन की बात होती है तो जाहिर सी बात अब बात होगी फार्मासिस्ट की, यहाँ पर बात डॉक्टर की नहीं होगी, बात फार्मासिस्ट की होगी। तो जब फार्मासिस्ट की बात होगी तो ऑटोमेटिकली बात समझ में आनी चाहिए कि हेल्थ सिस्टम का जो लाइफ लाइन है वो फार्मासिस्ट। लेकिन इस लाइफ लाइन को ही गायब करके पूरा सिस्टम इस समय भारत का हेल्थ सिस्टम चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा किसी और देश में इस तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ होगा कि एलोपैथी अच्छी है, आयुर्वेद अच्छी है, या इस तरह का मतलब मिसकंसेप्शन किसी पैथी को लेकर होना। इस तरह का मिसकंसेप्शन किसी और देश में नहीं हुआ। हो सकता है कि वहां पर, मुझे लगता है जो हेल्थ सिस्टम है सही, डॉक्टर फार्मासिस्ट का कम्युनिकेशन अच्छा रहा होगा, हो सकता है वहां पर डॉक्टर फार्मासिस्ट अच्छे से काम कर रहे होंगे और एक साथ काम करेंगे। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो डॉक्टर ही सब कुछ रहता है। यहाँ मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू चंदन, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो पेशेंट के लिए बना है। हमारा पूरा ध्येय होता है, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या सर्जरी करने वाला, या किसी से मेडिकल फील्ड से जुड़ा हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी, उसका ध्येय जो होता है वो पेशेंट को ठीक करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर यही पास हम देखते हैं कि पेशेंट ही सबसे ज्यादा शोषित होता है। हाँ शोषित इसलिए होता है कि मैं बता रहा पेशेंट सेफ्टी को, वही मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंट सेफ्टी को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि एलोपैथिक बेटर है, एलोपैथिक इतने मेजर साइड इफेक्ट है, उसके लिए बकायदा पेशेंट सेफ्टी के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है फार्माकोविजिलेंस, जो कि भारत में कोई भी डॉक्टर मुझे लगता है कि फार्माकोविजिलेंस को सपोर्ट करता है और उससे जुड़ा हुआ है, और जो होने वाले जो एलोपैथिक से मेजर साइड इफेक्ट्स है, खासकर लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज है, हॉस्पिटलाइजेशन है, समटाइम्स तो सीरियस साइड इफेक्ट, डेथ भी कॉज करता है, किस तरह कोई रिपोर्टिंग ही नहीं होता है। तो हमें ये पता ही चलता है कि हमें एलोपैथिक से डेथ कितने हो रहा है, मेडिकेशन से डेथ कितने हो रहा है, ड्रग से साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसका रिपोर्टिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तमाम सारी चीजें जो है भारत में बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि एक जो डिजिटलाइज नहीं किया गया है हेल्थ सेक्टर को, सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जो कि बात करे जा रहा है, डायग्नोसिस पे भी बात वही करे जा रहे हैं, एलोपैथिक पे बात करें तो वही बात कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे वही बात कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग तक का यहाँ देखा है मैंने, कई सारे लोग स्टोरेज ड्रग का करने लगे हैं, डिस्पेंसिंग भी खुद कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन में एरर का आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन से कई बार मेडिकेशन एरर हो रहा है। बाकी दूसरे देशों में 2.5 लाख डेथ रिपोर्टेड है मेडिकेशन एरर से, और आए दिन इंडिया में देखता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन रीडेबल तक नहीं होता है। जिन्होंने शशि थरूर ने भी एक बार आवाज उठाया था कि इंडिया का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो फार्मासिस्ट ही नहीं पढ़ पाता है। आप सोच सकते हैं क्या, मैं यहाँ एक चीज और ऐड करूंगा सर, प्रिस्क्रिप्शन एरर से भारत में बहुत ज्यादा मौतें होती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं हो रही है। Even pharmacists are not able to read the prescription. So, इस पे capital letter में लिखने की बात हुई तो उसमें भी नहीं हुआ। तो तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें डिजिटलाइज करना है। एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे यहाँ हेल्थ क्राइसिस की कमी नहीं है। यदि हेल्थ क्राइसिस का यदि होता है कि हेल्थ HCP यानी हम जितने भी हैं, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, फिजिशियन हो या फार्मासिस्ट हो, फार्मासिस्ट भी बहुत सारे कैटेगरीज है, डी फॉर्म है, बी फॉर्म है, एम फॉर्म है, फॉर्म डीज है, PhD भी स्कॉलर है, जो वी ऑल आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो हमारे पास हेल्थ सेक्टर में कोई क्राइसिस ही नहीं है डॉक्टर्स का। पर एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया कि डॉक्टर्स ही नहीं है। अरे डॉक्टर्स कहाँ से होंगे, डायग्नोसिस से लेके लैब से लेके तमाम सारी चीजें जो है उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है। कितनी ओवरलोड यदि एक डॉक्टर से लेके चलेगा तो होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं एक डायग्नोसिस से, कहीं ना कहीं डायग्नोसिस से एलोपैथिक में माइंड सेट हो चुका है, तो कहीं इसके वजह से सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। और 130 करोड़ की आबादी है, आप विश्वास नहीं कर कौन सा ड्रग की क्या क्वालिटी है, कौन सा ड्रग कौन सा साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, किसी का कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास विजिलेंस डिपार्टमेंट तो है बट उतनी ज्यादा वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय यदि बोले तो वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो टू रिपोर्ट द ADRs एंड मॉनिटर्स ऑल दी थिंग्स। सर इट इज वेरी सरप्राइजिंग सर कि फार्मेको विजिलेंस हमारे देश में 2010 के लगभग आया है, जो डॉक्टर जैन सिंह के प्रेजेंस में बना है, क्योंकि हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में कोरोना से पहले बात ही नहीं होती थी। एग्जैक्टली। और जब विजिलेंस 2010 में आता है, जो फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम इंडिया चलाता है, तो उसके बारे में भी लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। और दूसरी बात सर, जो विजिलेंस है उसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर है वो हमारे देश में अभी तक केवल 250 है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वो एडवर्स ड्रग का रिपोर्टिंग कहाँ करें। पहले ये होता था कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, SCP हैं, केवल वही एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते थे, पर आज की डेट में इवन पेशेंट भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकता है।
चाहे वो कैसे भी तरीके की हो। प्ले स्टोर में बकायदा ऐप बनाया गया है कि उसको आप PVPI ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में पड़ा हुआ है, या तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया में करता है, इवन डॉक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है विजिलेंस एक्टिविटी के कर तमाम सारी बातें हैं, बट अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक एलोपैथी के लेके। चंदन जसवाल कंटिन्यू करेंगे, काफी हो रही है। हाँ सर बिल्कुल, मैं रिव्यू कर बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आप जैसे हम लोग की डिस्कशन चल रही है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे। अब मैं मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने जो एक MCP सिस्टम एक बनाया है, जो हम लोग की प्रॉब्लम अभी हमने जितनी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हम लोगों ने पास्ट में फेस किया या फ्यूचर में फेस करेंगे, उन सबका सोल्यूशन मैंने MCP सिस्टम के रूप में निकाला है। अब MCP सिस्टम क्या है, अब वक्त आने पर मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी के सामने हमने MCP सिस्टम को रखा कि सर इसके माध्यम से हम पेशेंट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, डॉक्टर की इंपॉर्टेंस कैसे सेट से रख सकते हैं, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे ला सकते हैं। तो जो सवाल अभी आप लोग इराइज कर रहे हैं, तो ये सवाल मैंने जब कम्युनिटी में जाता था, लोगों से मैं कैंपेनिंग करता था, तो उसमें बहुत सारे सवाल देखा था। तो देखते 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 सवाल सरकार की तरफ से एक अगर ध्यान से कि 2015 में MCI की तरफ से एक मुझे लगा क्लू अच्छा था कि उसने प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे फार्मासिस्ट के सिग्नेचर पे कॉलम को रखा था, लेकिन 2015 का वो विषय और आज 2021 उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार इस चीज को सोशल मीडिया से उठाया गया, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया कोई रंग थोड़ी ला सकता है, और डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे आपका कॉलम रखें। तो अब इसका कोई ना कोई रास्ता मुझे खोजना था। अब खोजते खोजते हम इस बात पर पहुंचे कि अब मैंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, और जब मैंने उसका ट्रायल करके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, पेशेंट इजी वे में फार्मासिस्ट से जुड़ जाएंगे, और जब फार्मासिस्ट से जुड़ेंगे तो हम बिल्कुल ही उन पर निगरानी रख सकते हैं, जिसको कह सकते हैं एक तरह से वो क्या दवा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या उन पर इफेक्ट आ रहा है, और वो ऑटोमेटिकली फार्मासिस्ट से कम्युनिकेट करके उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ये कुछ वैसे ही प्रक्रिया होगी जैसे मरीज डॉक्टर के पास जाने वैसे ही वो फार्मासिस्ट के पास मिलने के लिए साइट होगा। ये सब कुछ होगा MCP सिस्टम के अंतर्गत ही होगा, जिसको मैंने अभी डिजाइन किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप लोग की ये लाइव डिबेट चल रहा है, तो अब उसके बारे में बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि भविष्य अच्छा है ये मैं कह सकता हूँ। वो बिल्कुल, चूंकि अभी मैंने DM सर को जब हमने उसको बताया तो वो इंस्पायर अच्छे भी लगा उनको, फिर लेकिन उनका टेक्निकल रिव्यू था, CMO सर के सामने होना था, उन्होंने पैनल बनाई, फार्मासिस्ट CMO का रखा, खुद हो रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने इसको डेमो दिया MCP सिस्टम का, तो उन्होंने चीज को फाइनलाइज किया कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन पेशेंट के हित के लिए MCP सिस्टम आवश्यक है। तो अभी तक अभी रोहित सर जो बात कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस, हमारे हर सर जो बात कर रहे हैं ADR, और जो हमारा अभी सिस्टम में चल रहा है, हमें डिबेट में क्यों नहीं लिया जा रहा है? हमारे इतने बड़े चैनल्स हैं जो सारे स्वामी रामदेव जी को ले रही है, डॉक्टर्स पैनल को ले रही है, फार्मासिस्ट कम्युनिटी क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिस्टम में नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको रखूंगा 2 मिनट 2 सेकंड का रखूंगा कि मैं देख रहा हूँ डॉक्टर जो मीडिया चैनल पे सारा चल रहा है कि वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठ रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर बैठ रहे हैं, अपने आप जो बोल रहे हैं लाख उनका डायग्नोसिस करना काम है, तब से भी वो डिबेट कर रहे हैं दोनों कम्युनिटी। मैं तो देखता हूँ कि 90% हमारे देश में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, इवन दे आर प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक मेडिसिन, बट स्टिल फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वो बेदी है, उनको पूरी आयुर्वेदिक पे काम करना चाहिए, बकायदा आयुर्वेदिक पे काम नहीं कर रहे। मैं 90% डॉक्टर के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरे 100 मतलब मैंने अपने आंखों से देखा है, लोगों से पूछा, आप फीडबैक भी ले सकते हैं कि जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं दे स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक मेडिसिन, वो खुद अपने विश्वास नहीं है या तो जो भी रहा हो, बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया। नहीं नहीं वो करेंगे ही, और बिल्कुल वो जानते हैं क्योंकि पेशेंट को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट से इफेक्ट की भी जरूरत है। और भारत में आयुर्वेदा में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। आयुर्वेदा का मतलब क्या है? साइंस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का विज्ञान। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अभी आचार्य बालकृष्ण की किताब मैंने पढ़ी, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उसमें मैंने जो टॉपिक समझ में आया उसमें यही है कि आहार विहार व्यवहार दिनचर्या और इन सब चीज के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा आपका एक तरह से फिलोसफी दर्शन साथ जीवन का क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका आयुर्वेद का जीना है। और हम जब देखेंगे मेडिसिन वाला हिस्सा, तो मेडिसिन में हम दूसरी भाषा में इसको आयुर्वेद न करके अगर हम ऐसे कहें हर्बल मेडिसिन कहें प्लांट मेडिसिन कहें तो हमें समझ आता है। जब हर्बल मेडिसिन और प्लांट मेडिसिन कहते हैं तो हमको ध्यान आता है कि हम वो जब फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ते ही हैं, और साथ में हम अपना एलोपैथी का जो मिनरल्स के माध्यम से जो चीजें सिंथेसाइज होकर बनती हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। हमने प्लांट मेडिसिन भी पढ़ते हैं, हर्बल मेडिसिन भी पढ़ते हैं,
तो ये जाहिर सी बात, ये विषय जो था ना एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, आयुर्वेद तो कहीं बात ही नहीं हुई। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की तो कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद क्रिएट किया। चूंकि आयुर्वेद के बारे में लोगों की मानसिकता ये है कि वो सोचते हैं कि हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए तो हमें मेडिसिन चाहिए। वास्तविकता ये है कि अगर सही आयुर्वेदिक है वहां पर बैठा हुआ है, अगर आचार्य बालकृष्ण जी को ही बैठा दिया जाए तो वो कोशिश ये करेंगे पहले उसके फिलोसॉफिकल अप्रोच को चेक करते हैं। अब मेडिसिन का हिस्सा तब आता है जब हमें मालूम है दर्द है उसको, भाई पहले उसको मेडिसिन दो, फिर उसके बाद उसके आहार, मतलब वो क्या फूड ले, किस तरह का फूड ले, और आहार विहार व्यवहार, मतलब किस तरह का व्यवहार करे अपने जिंदगी में और अपने दिनचर्या को वो करेक्ट रखे। तो ये मेडिसिन का हिस्सा थोड़ा सेकेंड पार्ट में आता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है तो पेशेंट को पहले हम मेडिसिन देंगे, उसको थोड़ा सा रोकेंगे, फिर उसके बाद आयुर्वेद का जो फिलोसफी उसके दिमाग में सेट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मेडिसिन खाए उसके बाद चलना बनता है। आप देखे होंगे टेलीविजन पे आते लोग कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अरे भाई मेडिसिन है ये बात समझ में, आयुर्वेदिक क्या कह दिया, आयुर्वेद में तो फिलोसफी है और फिलोसफी बहुत जबरदस्त है। एक चीज मैं और कहूंगा कि जैसे आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भी होते हैं, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे आयुर्वेदिक क्लिनिक होते हैं, आप कहीं भी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि डिस्पेंसिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर कर ही रहा होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट कम्युनिटी को लाया ही गया था कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए, ताकि जो डॉक्टरों का वर्कलोड है वो कम हो जाए। डॉक्टर सॉल्ट में लिखे जो भी मेडिसिन है, इवन आयुर्वेदिक में वो बता दे जो भी मेडिसिन बनाना है, जैसे च्यवनप्राश की बात कर दे तो उसमें बहुत डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट है उनकी मिक्सिंग कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ये फार्मासिस्ट बना के देगा। तो डॉक्टर का काम था कि ऐसा ऐसा करो और वो बना के दे दिया। एलोपैथी में भी अगर आप सॉल्ट लिख कर दे देते हैं एसिटामिनोफिन, तो आप जो भी पैरासिटामोल या जो भी है वो डॉक्टर फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी ब्रांड की दवाई इसको देनी है, क्योंकि पेशेंट का जो इंटरेक्शन है सबसे ज्यादा वो फार्मासिस्ट से होगा। क्योंकि डॉक्टर तो भैया 500 रुपए चार्ज ले लिया ना, विजिटिंग चार्ज है 300 रुपए चार्ज है, 100 रुपए चार्ज है, चार्ज तो लिया, बट जब फार्मासिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो वहां आप फार्मासिस्ट को कोई चार्ज नहीं देते, पर आप उससे पूछ सकते हो कि भैया इस सॉल्ट का अल्टरनेटिव कोई ड्रग है क्या, पैरासिटामोल का, कोई दूसरे ब्रांड का ड्रग है, क्योंकि आपकी पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं होती। कई लोग एक सिंपल से मेडिसिन के लिए 10 रुपए की मेडिसिन के लिए मौत को गले लगा लेते हैं, पर अगर वो कहीं फार्मेसी से डिस्कस कर लेता है, क्योंकि वहां जो पेशेंट और फार्मेसिस्ट का इंटरेक्शन है वहां सबसे ज्यादा समय है, और जो फार्मेसिस्ट होता है वो फिजिशियन और पेशेंट का बीच का लिंक है, नर्स लिंक नहीं है, पेशेंट और फिजिशियन के बीच का लिंक फार्मेसिस्ट है। तो ज्यादातर कभी हमेशा देखते हैं कि मैं आज जो सरकारें आई भी हैं वो हमेशा जो दवा का अधिकार है वो फार्मेसिस्ट से छीनना चाहती है, चाहे वो वितरण का हो, कंपाउंडिंग का है, उनका रख रिखाव का हो, रिकॉर्डिंग का हो। सरकार हमेशा ये अधिकार जैसे शेड्यूल के अमेंडमेंट के थ्रू आंगनवाड़ी केंद्र मितानी लोग को दे दिया है, जो 10th 12th पास होती है उनको रेड स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप येलो स्ट्रिप करके वो पैरासिटामोल डिस्पेंस करनी। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव स्टेट है, जो है राजनांदगांव शहर है, वहां एक फार्मेसिस्ट को निकाल दिया गया था बिना इंक्वायरी किए हुए, और वहां गलत मेडिसिन कोई दूसरे ने दे दिया था। जब फार्मेसिस्ट का दवा वितरण अधिकार है तो फार्मेसिस्ट ही करेगा ना, कोई दूसरा क्यों कर रहा है वहां। जब फार्मेसिस्ट का हर सेंट्रल रजिस्टर बना हुआ है तो अगर कोई फार्मेसिस्ट गलत कार्य करता है तो सेंट्रल रजिस्टर से आप देखिए जिसमें उसके पिताजी का नाम, घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर उस पर कार्रवाई करे और उसका लाइसेंस रद्द करे। हमारे देश में कितने लाइसेंस रद्द होते हैं, डिप्लोमा की डिग्री बिकी जाती है, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जो रिच कम्युनिटी है वो पैसे कमाने के लिए डिप्लोमा की डिग्री परचेस कर लेते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, फिर यहाँ एरर होता है तो फार्मेसिस्ट कम्युनिटी बदनाम होती है। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो रजिस्टर फार्मेसिस्ट है तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है, जितने भी रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करते हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको अपना पता है कितने मेडिकल स्टोर है, वहां कौन है। क्या आपने कभी किसी दवा स्टोर में जाए लाइसेंस का फोटो देखा है, उसको विजिबल जगह पे लगाना होता है, क्या उसमें जो फोटो लगा है वही आपको डिस्पेंस कर रहा है,
ये देखना हमारी जनता के लिए बहुत जरूरी है कि जिसकी फोटो लगी है क्या वही फार्मेसी डिस्पेंस कर रहा है, क्या उसका लाइसेंस नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें मेंशन है कि नहीं। इतने सारे नेग्लिजेंस और लूपहोल होने के कारण का कारण ही है कि रेमडेसिविर 20,000 रुपए बिकी है कोरोना में। ये ड्रग अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पीसीआई जो क्वालिटी पे क्यों नहीं धार कर रही है एजुकेशन के, एग्जिट एग्जाम क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात किया जाए इंडिया में तो वाकई में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दिस इज वेरी डिफरेंट टॉपिक, तो हम उसमें भी जाएंगे नहीं, वन टू वन डिबेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, इश्यूज भी है, तो जो हमारा अभी करेंट है, अभी जो चल रहा है उस पर हम फोकस करें ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि और दूसरी चीज मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने टीवी में लाइव डिबेट चल रहा है आयुर्वेदिक एलोपैथिक होकर, वो कहीं भी फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जबकि एक फार्मासिस्ट ऐसा व्यक्ति है, यानी एक ऐसी कम्युनिटी है कि पूरी विश्व की नजर है कि कब कोरोना के नेक्स्ट वैक्सीन आएगा, या कोई ऐसी वैक्सीन आएगी जिसमें मिनिमम साइड इफेक्ट हो। तो ये सारी नजर पूरी विश्व की नजर है, पर एक भारत इकलौता देश है जिसको फार्मासिस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने दरकिनार कर दिया है। यहाँ फार्मेसी की एक खूबसूरती मैं बताऊंगा सर, कि हमारा जो सिलेबस है वो चार कोर सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, जिसमें फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है, फार्मा केमिस्ट्री है और फार्मास्यूटिक्स है। अगर आप देखते हैं तो हम फार्माकोग्नोसी जो आयुर्वेदा से भी रिलेटेड बोलेंगे आप, क्योंकि हम डायरेक्ट नेचुरल सोर्स मेडिसिन पढ़ते हैं, वहां से हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता करते हैं, मिक्स और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जब उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं कोग्नोसी के माध्यम से, तो कोलॉजी के माध्यम से उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, क्लिनिकल स्टडी से स्टार्ट होती है। जब उसके प्रोडक्शन का वाइड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की जरूरत होती है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के द्वारा वैक लैब के द्वारा बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है जो एक्टिव मॉडिटी होती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल से फॉर्मुलेशन बनाया जाता है, इमल्शन है, आपका टेबलेट है, कैप्सूल है, आईवी है, जो इंट्राविनस इंजेक्शन के तौर पे है, जितना भी लायोफिलाइज्ड मटेरियल है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या ये डॉक्टर निर्धारित करता है कि उसको शोल्डर में देना है कि डायरेक्ट उसको वेन में देना है? जब हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तब हम बता पाते हैं कि वो उस नीडल से पास आउट हो भी पाएगी कि नहीं, क्या उसकी विस्कोसिटी रहती है, क्या थिकनेस रहती है। तो बहुत सारी तमाम चीजें हैं, वो चार ये कोर जो ब्रांच है फार्मेसी की वो निर्धारित करती है। ये जब कोर ब्रांच एक दूसरे से मिलके एक कंपाउंड जब मार्केट में लाती है तो डॉक्टर वाहवाही लूट के चले जाते हैं। एग्जैक्टली हर जी, और कहीं ना कहीं एक जो है कि मुझे ये चीज समझ में आता है, पूरी जितने भी भारत के मीडिया है ना, सबको ये आज का लाइव डिबेट देखना चाहिए, तब समझ में आएगा एक्चुअली कि दवा का जो बात जो करने वाले लोग हैं वो उस चीज के लिए राइट पर्सन है ही नहीं। उनका डायग्नोसिस पे बात है, डायग्नोसिस पे फोकस करें, पर यहाँ जो माइंडसेट है ना, डायग्नोसिस एलोपैथी का जो माइंडसेट सेट हो गया है और उस पर डिबेट चल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं को मीडिया का एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि डॉक्टर के जो बहुत सारे जो रिसर्च पेपर होते हैं वो डिजीज के ऊपर होते हैं कि डायग्नोसिस और कैसे करें, बेहतर कैसे मेडिकल डिवाइस यूज करें, और सारे जो फील्ड है सर वो एलाइड फील्ड है, एक दूसरे के साथ जब तक ये सहभागिता से काम नहीं करेंगे हम पेशेंट की बेहतरी नहीं कर पाएंगे सर। एग्जैक्टली, चंदन जी कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहता था चंदन जी, आपने जो आपने जो बाबा रामदेव का जो आपने काफी स्टडी किया, रिव्यू किया है, तो लोगों को बारे में बताइए, आपके न्यूज भी देखा, उसको रिव्यू कैसे किया, किस चीज से बता रहे हैं सर, आपने काफी अच्छी तरीके से रिव्यू किया उसपे। जी सर बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बोलूंगा अभी फार्मासिस्ट टाइम्स का एक मैंने न्यूज शेयर किया होगा जिसमें मैंने टाइटल डाला था, मतलब ये न्यूज है दिशाहीन आई डॉक्टर और बाबा रामदेव, ऐसा है टाइटल है। अब दिशाहीन तक मेरी सोच पहुंच गए, मतलब ये हुआ कैसे, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तभी तो हम जाके एक बात कह रहे भाई, आईएमए कम्युनिटी के डॉक्टर्स को भी बोल रहा हूँ और बाबा रामदेव को भी बोल रहा हूँ, तो बोलने की हिम्मत आई कैसे इसके। यही मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बता दूं आपको कि जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे किसी बात का तब तक हमें कैसे हिम्मत आएगी कि हम इनको ब्लेम कर दें। और वो चीज जो न्यूज़पेपर है मैंने पतंजलि योगपीठ में जो पावरफुल लोग हैं सबके पास भेजा है, मैंने आईएमए के प्रेसिडेंट को भी भेजा है, देवरिया के आईएमए के प्रेसिडेंट को भेजा है, और जो नेशनल लेवल के जयलाल सर हैं उनके पास भी भेजा है वो न्यूज को,
उसके पीछे क्या ये मानसिकता आई कैसे? और जब आपने फोटो देखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक साइड में रामदेव जी को देखा होगा, एक साइड में आस्किन सर जो आईबे के प्रेसिडेंट है उसमें ऊपर मैंने एक फोटो लगा रखी है। बिल्कुल। अब इतनी सब ऊपरी वाली बात कैसे आ गई? कहीं तो कुछ तो ऐसा मिसिंग कड़ी है जो मतलब ये पूरे सिस्टम में छूट रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा अपना सोचा कि भाई हमारा रोल क्या है। जब हमने अपना रोल फाइंड आउट करना शुरू किया, अरे हमें कहती हम लोग का रोल था आईएमए को इसमें बोलना ही नहीं, आईएमए और रामदेव जी को एक एक पॉइंट पे हम लोग तुरंत रोक सकते थे, ये डिबेट इतनी बड़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोरोनिल दवा है, जब कोरोनिल दवा का हम लेफ्टलेट उठाएंगे और पढ़ेंगे विशेष मार्गदर्शन जिसमें ये बात कही गई है किसी भी आपातकाल की स्थिति। हाँ सर ये है, आप देख सकते हैं सर। अब इसमें ये बात मेंशन की गई है किसी भी आपातकाल की स्थिति, आकस्मिक अवस्था, इमरजेंसी, क्रिटिकल कंडीशन, सोशल में अधिक कठिनाई आदि में भारत सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा विधि का पालन करें। अब ये एक लाइन पूरा कोरोनिल का डीएनए या कुंडली खोल देती है। कहने का मतलब इसमें हम शुरुआत में गए तो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट के लिए ही है कोरोनिल, और माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट के लिए हमारी जो भारत सरकार ने उसने भी गाइडलाइन में मेडिसिन डाल रखा है, उसमें लिवोसिट्रिजिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासिटामोल है, इवरमेक्टिन है, विटामिन सी है, जिंक है, D3 है। उसके बाद उन्होंने काढ़ा को भी रखा है, तुलसी गिलोय और अदरक को भी रखा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं भाप भी लीजिए, सनलाइट में भी बैठिए, वो सब मतलब पूरी अच्छे से उन्होंने भारत सरकार ने इस चीज को कही रखी है। तो इस बात को ये ऑटोमेटिकली अपने चौथे पॉइंट में मेंशन कर रहे हैं कि जब कुछ डेंजर कंडीशन हो, क्रिटिकल कंडीशन, तब आप एलोपैथी की तरफ या भारत सरकार की गाइडलाइन की तरफ जाए। अरे भाई हम शुरू से ही क्यों ना रहे उसी गाइडलाइन में, जब हमारी कंडीशन बिगड़ जाएगी। वैसे भी इस बार कोरोना में ये कहा जा रहा है पहला जो स्टेप है, पहला वीक वो डॉक्टर के हाथ में है, पहला वीक हमारे हाथ में है, दूसरा वीक डॉक्टर के हाथ में है, और जो तीसरा सप्ताह है वो भगवान के हाथ में है। तो हम तीसरा सप्ताह जो है वो मतलब वहां तक इंतजार करें कोरोनिल दवा खा के, ऐसा तो संभव नहीं है। और हमारा माइंडसेट है, भारत की जो मेन लाइन है वो है एलोपैथ अभी फिलहाल में, और जो भारत सरकार कहेगी हम महामारी तो ऐसा तो नहीं है कि वो टाइम जोन तो है नहीं कि हम बीपी का इलाज करा रहे हैं, थायराइड का इलाज करा रहे हैं, ये महामारी का समय है। तो हम जाहिर सी बात है हम वही गाइडलाइन फॉलो करेंगे जो सरकार हमें निर्देशित करेगी, उसके बीच में कोई अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो बड़ा अप्रत्याशित होगा और कहीं ना कहीं बवाल खड़ा कर देगा। कोरोनिल बिल्कुल सही दवा हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास गाइडलाइन माइल्ड टू मॉडरेट का मिला हुआ है सरकार की तरफ से तो हम उसे फॉलो करके बच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन खाया, इवरमेक्टिन खाया या दो लोग खाया तो वो मर ही गए, मरे नहीं, बहुत सारे लोग बचे भी। किसी एक परिवार में एक व्यक्ति का अगर डेथ हुई है तो तुरंत चार लोग बचे हैं, तो उन्होंने एलोपैथी जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना शुरू किया, जिसमें भारत सरकार ने मेडिसिन के साथ साथ काढ़ा और योगासन प्राणायाम तक संतुलित बना के रखा हुआ है। तो सब कुछ तो बड़ा करेक्ट है। आपकी आपकी बात से ना एक वो स्टेटमेंट याद आ रहा है रामदेव बाबा का कि जो 90% लोग जो बचे हैं वो कोरोनिल से बचे हैं, और जो 10% है 1.5 लाख लोग जो एडमिट हुए सीवियर केस में वो एलोपैथी की वजह से। तो यहाँ पर बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोरोना सबके लिए नया है, भले वो मर्स की बात हो, सार्स की बात हो, हम इससे सीख रहे हैं रिसर्च पेपर के थ्रू हमारे पोस्टुलेट्स जो है वो आ रहे हैं। देखिए आप इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए कि सबसे पहले क्लोरोक्वीन आया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आया, एवरमेक्टिन आया, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, डेक्सामिथासोन, उसके बाद आप देखते हैं एवरमेक्टिन हो गया, रेमडेसिविर हो गया, फिर आज ब्लैक फंगस आ गया तो एम्फोटेरिसिन भी है। ये पूरी पॉलीफार्मेसी चल रही है, जो भी ड्रग है अप्रूवल देती है मार्केटिंग में, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है जहां जिसके रिजल्ट रिजल्ट पेपर में अच्छे दिखते हैं डॉक्टर उनको एज अ गाइडलाइन, चाहे WHO की गाइडलाइंस है, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करती है, और एक रिसर्च सैंपल के माध्यम से वो रिजल्ट हमें पता चलता है। आज भारत सरकार कैसे कह सकती है कि कोविशील्ड में कम से कम 12 वीक का गैप होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर के माध्यम से कहा जाता है ना, जिसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, और वो फार्मासिस्ट कर रहा है सर। मैं और जब फार्मासिस्ट झोला साहब बोल रही है, मीडिया फार्मासिस्ट को झोला साहब बोल रही है, मैं भी कनेक्ट कर देना चाहता हूँ ये तमाम सारे डिबेट देने के बाद। यदि वाकई में मुझे लगता है कि जो उनको सोचने मजबूर कर देगा कि मैंने किसको क्या बोल दिया है, पूरी विश्व जो है फार्मासिस्ट पे नजर गड़ाई हुई है कि कोई नया मॉलिक्यूल आए और हमें पूरी विश्व को राहत दे,
और वो कोई दे सकता है फार्मासिस्ट है, परंतु फार्मासिस्ट को इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम में डालना ही पड़ेगा और सबको एक साथ मिलजुल के ही पेशेंट के हित में काम करना होगा, तभी अपलिफ्टमेंट होगा। हर अधिकार सबका अपना अपना अधिकार है, नर्स का काम है वो अलग है, डिस्टिंग्यूज्ड है, कंपाउंडर का काम डिस्टिंग्यूज्ड है, फार्मासिस्ट का डिस्टिंग्यूज्ड है और डॉक्टर का भी डिस्टिंग्यूज्ड। अगर फार्मासिस्ट की जरूरत ही नहीं है तो इस प्रोफेशन को बनाया क्या है, पीसीआई को सारे कोर्स बंद कर देने चाहिए। क्योंकि अभी मेरे ख्याल 34 मिनट का ये पूरा लाइव सेशन हो चुका है, मैं बात को अपने कंक्लूड ऐसे करूंगा, हम सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो ये बवाल मचा आयुर्वेद होम्योपैथ बनाम आयुर्वेदा, ये वन लाइन स्टेटमेंट था। अगर अंजना ओम कश्यप या कोई भी न्यूज चैनल, बाबा रामदेव आईएमए के प्रेसिडेंट या आईएमए के जितने भी डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने सिर्फ एक बार ये कोरोनिल में का लिफलेट का चौथा पॉइंट पढ़ लिया था मिसेस मार्गदर्शन का, तो मुझे लगता है उसी समय बाबा रामदेव जी भी शांत हो जाते, आचार्य बालकृष्ण भी शांत हो जाते और आईएमए के डॉक्टर्स भी शांत हो जाते हैं, अंजना ओम कश्यप भी शांत हो जाती है और जो भी मीडिया में ये बात घूम रही है वो सब शांत हो गए होते, लेकिन बस एक लिफलेट की बात नहीं पड़े और कूदने लगे। अब इसमें एक बात सीधे आ जा रही है कि हम एलोपैथ मतलब भारत सरकार की जो गाइडलाइन वो परफेक्ट है, हम उस पर हम ये सवाल खड़ा करने के लिए, और चूंकि कोरोनिल का लिफलेट उसकी बात की पुष्टि कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब भारत सरकार ने जो गाइडलाइन एलोपैथ के माध्यम से उसमें सारी चीजें योग आयुर्वेद को कनेक्ट करते हुए रखा हुआ है वो गलत है, और ये बिल्कुल फालतू का मतलब एक तरह से बेवजह बेबुनियाद तरीके से हो गया, लेकिन ये होना ही था एक तरीके से देखिए तो मेरी जो सोच या स्टडी कहती है वो ये होना ही था। अभी इसका दूसरा पक्ष भी निकल के आएगा, अभी देखे होंगे कि स्वामी रामदेव जी कहने लगे कि हमें मेडिकल अब एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एलोपैथ की चिकित्सा वाला खोलेंगे। क्यों कहने लगे वो, इसलिए कहने लगे क्योंकि अभी बहुत सारे इस तरह के एरर्स निकल के आएंगे जो मतलब बहुत दिनों से दबे हुए हैं, रास्ता अलग हो गया, मतलब ये तरीके से आया लेकिन आना ही था, इसको कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ना ही था क्योंकि कोई बीच में कम्युनिकेटर नहीं है, बीच में जो काउंसलर होता है ना वो इधर के पक्ष की भी सुनता है दूसरे पक्ष की भी, आईएमए को भी सुनता, और अगर मान लीजिए हम लोग को डिबेट में रखे तो हम आईएमए को भी सुनते, बाबा रामदेव भी सुनते, फिर उनके कंक्लूजन पॉइंट में हम देखें तो भाई देखिए रोगी हित में ही तो सब कुछ करना है, अब एलोपैथ ऐसे कर रही है, आयुर्वेद यहाँ से मदद कर रही है, योग यहाँ से मदद कर रही है, होम्योपैथी यहाँ से मदद कर रही है, और सब कुछ का एक ही मकसद है कि रोग पेशेंट ठीक होना चाहिए। अभी अभी जो डिबेट चला है वो तो बिल्कुल जैसे मारा मारी टाइप का डिबेट है और उसका निष्कर्ष के नाम पे कुछ खास नहीं निकल के आ रहा, और ये जो इतने दिनों तक चल गया वो एक मिनट का मामला था, एक मिनट का मामला था। हर्ष यादव जी, अभी मैं ये बोलूंगा कि जितना डिबेट चल रहा है वो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना कोई साइंटिफिक डिबेट चल ही नहीं रहा है, वो बस बोले जा रहे हैं कि मेरा बेटर है मेरा बेटर है, जबकि उनका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। एक ये फार्मा का विषय है, फार्मास्यूटिकल साइंस का विषय है, जो कि एक फार्मासिस्ट ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बहुत सारे समय रोहित सर डिबेट है, और रोहित सर मैं चाहूंगा इस बात को आप भी अपनी तरफ से थोड़ा फोर्सफुली कहिए, फार्मासिस्ट बात को समझें कि कोरोनिल का ये लिफलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चौथा नंबर विशेष मार्गदर्शन, भविष्य में इस तरह की कभी भी बवाल मचे तो लिफलेट को पकड़े, लिफलेट को पकड़े कुंडली पकड़ में आ जाएगी और उसके बाद ये कोई भी बात आगे बढ़ेगी उसको हम तुरंत स्टॉप कर सकते हैं। और तो रोहित सर मैं चाहूंगा कि आप ये बात जरूर बोल दीजिए कि कोरोनिल का जो दवा का विशेष मार्गदर्शन का चौथा पॉइंट है आप वो जरूर समझे। लोगों को यही कहूंगा जितने भी है हमारे स्पेशली पेशेंट के लिए बात करूंगा, फार्मासिस्ट तो काफी अवेयर हैं, जितने भी जो पेशेंट्स हैं जो भी मेडिसिन खा रहे हैं तो लिफलेट जरूर पड़े, क्योंकि लिफलेट में क्या होता है कि डॉक्टर साहब को साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताता है, बट लिफलेट में क्या होता है हर ड्रग का साइड इफेक्ट बताया होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया होता है, कौन सी कंडीशन में आपको मेडिसिन लेनी है कि नहीं लेनी है, प्रेगनेंसी में लेना है कि नहीं लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग है यदि कोई वुमेन है तो उसको लेना है कि नहीं लेना है, तो तमाम सारी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको लिफलेट से मिलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरोनिल की बात करें, हर ड्रग के अंदर लिफलेट होता है, हालांकि बहुत सारे इंडिया में लोकल ड्रग आते हैं दे आर नॉट एडिंग एनी लिफलेट एक्चुअली, बट यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो लिफलेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ सर, उसमें खास बात देखिए आपसे बात, आपने जैसे बोला ना लिफलेट बोला ना सर, आप किसी भी लिफलेट में जाएंगे तो बहुत आजकल जो हम लोग कभी गूगल पे सर्च करते हैं इस मेडिसिन के बारे में उसमें, हाँ चंदन जी आपकी आवाज कट गई है, ठीक है मैं बोलना ही चाहूंगा,
जितने भी लिबरेट्स हैं वो सब फार्मासिस्ट जो होते हैं अपने ट्रायल्स पे, जितने भी ट्रायल्स हो गया उसके दौरान जो भी साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होता है या पीवी एक्टिविटी के जो मॉनिटरिंग में जो भी ऑब्जर्व होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है लिफलेट में साइड इफेक्ट अपडेट की जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप यदि ड्रग यूज कर रहे हैं तो लिफलेट जरूर देखे। मैं ये कह रहा था जैसे हम लीफलेट पर अभी तो फिलहाल किसी न किसी लीफलेट पर आ ही जाता है, मैंने देखा है कि कंसल्ट योर फार्मासिस्ट उसमें मेंशन रहता है, तो अगर इतनी भी अगर बारीकी को ध्यान में रखा जाए तो भविष्य में आने वाले समय में हमें थोड़ा इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि हम लीफलेट पर भी हैं, मेडिसिन में भी हैं और काउंसलिंग पोजिशन पर भी हैं, डिस्पेंसिंग पोजिशन पर भी हम हैं और इसको इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और लिफलेट बहुत बड़ा मतलब एक क्लू है जिसमें हमको देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा था कंसल्ट योर फार्मासिस्ट, अगर कोई भी शिकायत होती है कोई भी दवा के साथ रिएक्शन होती है तो कंसल्ट योर फार्मासिस्ट होता ही है। तो ये बेसिक बात भी हम लोग को प्रूव करती है कि हम लोग मेन लाइन में है, ध्यान नहीं दे पा रही है समाज या पेशेंट नहीं ध्यान दे पा रहा है, ये अलग विषय है, इसके लिए थोड़ा सा हमें अलग ही बूस्टअप या कुछ ऐसा सुपर काम करना पड़ेगा जिससे दिमाग में आए कि नहीं फार्मासिस्ट का अपना रोल है। ऐसा नहीं है कोई भी लाइव प्रोग्राम में और भी फार्मासिस्ट एड हो सकते हैं, अभी आज हमारा फर्स्ट डे है तो मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट टाइम जितने भी जो भी फार्मासिस्ट है वो डिबेट करना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है तो इस लाइव प्रोग्राम में उसको एड कर दीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि रोहित गुप्ता अगर बात करेगा या हर्ष यादव बात करेंगे, चंदन जायसवाल करेंगे, तो सारे जो भी फार्मासिस्ट है जो फार्मेसी हित के लिए काम करना चाहता है वो जरूर इस पे आके अपनी बात रखे और लोगों को बताए। और कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट जो है पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करता है और पेशेंट सेफ्टी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो और जो भी फार्मासिस्ट हैं इंटरेस्टेड होंगे जरूर लाइव अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे मैंने कमेंट्स देखा कि लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इमीडिएट तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ वीकेंड प्लान हम लोग डिबेट प्रोग्राम रखेंगे उसमें लोगों को ऐड किया जाएगा। अश्वरेश्वर जी भी काफी कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ममता जी ने अपने काफी बात रखा, उन्होंने पीसीआई पे काफी गुस्सा है लोगों का, मैंने अभी कमेंट्स में मैंने ज्यादा पीसीआई के प्रति लोगों को गुस्सा देखा है। वाकई सी बात है कि सर क्योंकि जब आप फार्मेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है तो पीसीआई ही आता है। एग्जैक्टली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बट वो फुलफिल नहीं होता तो तकलीफ को होती है। सर मेरी बात चंदन जी मैं एक बार बोल लेता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा अलग अलग पैथी कौन बेहतर पे बातचीत चल रही है डिपेंड का टॉपिक, तो मैं ये बताना जो मेरा कंक्लूजन है मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन है वो ये है कि सब पैथी अलग अलग होती है, सबका स्पेशलाइजेशन और पूरी पढ़ाई अलग होती है 6 साल की, तो आप मिक्सोपैथी नहीं कर सकते कि आयुर्वेदिक एलोपैथी के दवा दे देगा। अगर आपको एलोपैथी का मेडिसिन देना भी आयुर्वेदिक को तो आप एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी राय लें और उनके रेफरेंस पे वो दवा प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि मिक्सोपैथी करना इट इज नॉट अ गुड थिंग। बिना उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन को आप नहीं अपने डिस्कशन में लेंगे और पेशेंट की बात करेंगे तो गलत है वो। तो इस कारण मेरा ये कहना सर मेरा यही कहना है कि ये सर हाँ आप बोलिए मैं कुछ बात रखूंगा आप बोलिए। हाँ तो सर मेरा यह है कि मिक्सोपैथी तो नहीं होना चाहिए बल्कि जो भी अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो मिलजुल के एक साथ काम कर सकते हैं, आप उनके फीस दे दीजिए, उनसे जो भी कंसल्ट कर रहे हैं जैसा भी तरीका और इन्वॉल्व करके आप बेटर ट्रीटमेंट पेशेंट को ध्यान दें। एक मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हर जी, मैं एक बात रखना चाहूंगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं कि बार बार एलोपैथी को आयुर्वेदिक को डिबेट कर रहा है तो एक कम्युनिटी है जो आई में वो कह रही कि नहीं हमारा एलोपैथी बहुत ही बेटर है, तो बेटर है तो फिर वो डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं ये एलोपैथी जो हमारा बेटर है, तो फिर जेनरिक में प्रॉब्लम क्या हो जाता है। यदि हम उनको वही बात बोलते हैं कि जेनरिक प्रिस्क्राइब करें तो बोलते नहीं जेनरिक उतना इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू ब्रांड, तो मतलब ये आई एम में क्या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं या वो कहाँ जाते हैं,
वो कौन है भाई डिसाइड कर रहे हैं, मतलब डिसाइड करने वाला सब वही है कि जेनरिक खराब है, वो इफेक्टिव नहीं है, उतनी एफिकेसी नहीं है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आता है, जैसे स्पूरियस ड्रग होते हैं, मिसब्रांडेड ड्रग होते हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग होते हैं, इनकी गुणवत्ता का जब चेक होता है तो ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जाता है जो कोलकाता में है, और भी बहुत सारे लेबोरेटरी है जिसको गवर्नमेंट एनालिस्ट टेस्ट करता है, बहुत बड़ी पोस्ट है सर ये, तो वो फार्मासिस्ट होता है। तो कौन बता रहा है कि कौन सा मेडिसिन बेहतर है, किसमें कम साइड इफेक्ट है? ड्रग को अप्रूवल देने वाला हमारा डीसीजीआई है, वो भी फार्मासिस्ट है। डीसीजीआई जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्ट मैं यही कह रहा हूं सर, या वो भी फार्मासिस्ट है, वो अप्रूवल देते हैं ड्रग को, और पूरी नजरें पूरी देश को वहां टिकी रहती है कि डीसीजीआई ने अप्रूवल दिया, चाहे वो डीआरडीओ से बना हो। विजिलेंस में डॉक्टर जेएन सिंह है सर, जीएन सिंह है, जिन्होंने शुरुआत की थी, बीएचयू के पास आउट है सर, वो भी फार्मेसी के हैं, पीएचडी किए हुए हैं। ऐसे लोग जो फार्मेसी के इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, तो फार्मेसिस्ट को जब अंजना ओमकर सब झोला छाप बोल देती है तो हमारे झोली में यही सब गिरता है लगता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर चुप बैठेंगे, क्योंकि एक बार यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीजों को तो आपको वो चीज कहा जाएगा, यानी आपको किसी ने एक पूरी कम्युनिटी को झोला छाप बोल दिया है और उस पर यदि किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और आपको मान लिया जाएगा कि आप हो। तो मैं लोगों कई जो लोग हैं सर, इवन फार्मासिस्ट कम्युनिटी से, वो सवाल ये खड़ा करते हैं कि फार्मासिस्ट को झोला छाप बोल दिया तो ऐसा क्या बुरा हो गया? सर मैं अधिकार के खिलाफ हूँ, जो अगर वो इलाज कर रहे हैं फार्मासिस्ट तो वो गलत है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात को मैं मानता हूँ। पर मैं ये बोलता हूँ कि जो झोला छाप वर्ड है जिसका प्रयोग है, जैसे अभी इवन जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए एक वर्ड यूज किए थे जिस कारण उनको जेल तक हो गई थी सर, उस पे हैशटैग चल रहा था। तो फार्मेसिस्ट को झोला छाप कोई बोल देगा तो वो उसके लिए मानहानि का केस है सर, ये अपमानजनक शब्द है उसके लिए। जब वो पढ़ा लिखा है तो आप ये बोलिए कि रजिस्टर बी फार्म इस तरीके के काम कर रहा है जो गैर कानूनी है, आप ये बोल सकते हैं, झोला छाप बोलने का क्या जरूरत था? एग्जैक्टली मैंने कई सारे ऐसे देख, अब सपोज मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं वो ड्रग को स्टोरेज करते हैं, डिस्पेंस भी करते हैं अगेंस्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक कैप, तो यदि वहां पे मैं बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं। सर, हमने बात भी की थी सर अरुणा जी के बारे में, जिनका पैर कटा था, पर्वतारोही है, आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर, क्या क्या केस और फार्मासिस्ट की नहीं तो डायग्नोसिस में चला जाता है, इमरजेंसी आ जाती है। हाँ, अरुणा जी जिनके चार दिन पैर, वो उनका पैर कट गया था, वो मतलब वो पटरी पे पड़ी हुई थी और उनको हॉस्पिटल ले गया गया तो वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं था, तो फार्मासिस्ट ही था जो उनका पूरा ट्रीटमेंट अंडर द एक डॉक्टर के सुपरविजन में उन्होंने पूरी ट्रीटमेंट की, उन्हें कई सारे लाइव प्रोग्राम में उन्होंने फार्मासिस्ट का जिक्र किया कि हमारा जो हमें जो बचाने वाले जो थे वो फार्मासिस्ट थे जिन्होंने मेरी जो हेल्थ जितनी भी सर्विस थी उन्होंने प्रोवाइड किया। यदि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यदि कोई डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे और पेशेंट कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, तो यदि फार्मासिस्ट एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यदि इमरजेंसी में उसको हेल्प करता है यानी मेडिकल सर्विस देता है तो कहीं से झोला छाप नहीं होता है, यू आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एचसीबी कैटेगरी में। अगर रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है और खून ब्लीड हो रहा है, तो कोई अनपढ़ इंसान अगर उसमें बांध देता है पट्टी की ब्लीड ना हो, अगर वो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से है कि ब्लीड को रोकना है, तो क्या आप झोला छाप बोल दोगे उसको? राइट, तो वो चीजें बहुत है, हम उस पर भी डिबेट हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा डिबेट लंबा हो जाएगा। बट हाँ, मैं जितने व्यूअर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आवाज उठाएं जब तक कहीं वहां से रिस्पांस नहीं आता, और हाँ नहीं आएगा तो आगे हम जो भी चीजें पॉसिबिलिटीज होगा वो करेंगे। बट हाँ, कम्युनिटी जो हमारे कई सारे कम्युनिटीज में हमारे बहुत सारे लोग हैं, जो हमें देखा जाए तो पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के हम स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, हमारी तादाद इतनी है कि हम हेल्थ क्राइसिस इंडिया में खत्म कर सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। हमारे पास हर तरह के लोग हैं, डिप्लोमा से लेकर बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, फॉर्म डीज हो, तमाम सारे ऐसे हाईली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं जो कि एक हेल्थ सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन के बावजूद हम सब फार्मासिस्ट ही कहलाते हैं, इस कारण इस चीज का विरोध हो रहा है, ये भी चीज को समझना पड़ेगा। कल को कोई फार्मासिस्ट कोई बात कर रहा है तो कोई उसको झोला छाप बोल देगा तो ये बेइज्जती है कम्युनिटी के तौर पे। इवन रिसर्च साइंटिस्ट भी हमारे कई सारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं,
जो कोविड के काम कर रहे वो भी फार्मासिस्ट है, रात दिन हमारे फार्मासिस्ट को झोला छाप बोल रहे हैं तो आप डीसीजीआई को भी झोला छाप बोल रहे हैं अंजना, उनका सबको समझना पड़ेगा। इस कोविड आपदा में लगातार जो दिन रात हमारे कई सारे कॉल्स आए मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कि हम रात दिन काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, दो दो लेयर का ड्रेस पहने हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वैक्सीन एसेंशियल मेडिसिन जो कोविड में इस्तेमाल होने वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और यदि कोई एक मीडिया आके हमें इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है तो वाकई में बहुत बढ़िया बात कही है। यहाँ मैं एक चीज नोट आउट करूंगा कि जो पीपीए किट है ना, जब यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फार्मासिस्ट जो भाई बंधु है वो पीपीए किट पहन के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ एक बाल का तिनका तक क्वालिटी कंट्रोल में बाधा डाल सकता है, वो पूरा पीपीए किट पहन के प्रोडक्शन में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं सर। नहीं, मैं पोस्टर के जरिए उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लगातार स्पीच के माध्यम से, जितना बेस्ट पॉसिबल है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको अवेयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी नॉलेज अपडेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगातार करते आएंगे जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो इस पर भी हम करेंगे। और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि काफी समय ले लिया, हमारे व्यूअर्स काफी कमेंट्स आए, जब कमेंट जब उठा सकते हैं, पर हाँ जितने कमेंट्स है मैं लोगों को पीसीआई को लेकर काफी लिखा नजर आ रहा है, और इसमें भी हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं। सर एक ही काउंसिल है सर हमारे पास जो एजुकेशन को निर्धारित करती है, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करती है, पर वो हमेशा चुप बैठी रही है पूरे कोरोना में। इतने बड़े आपदा में अगर फार्मेसिस्ट का जिक्र गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पीसीआई नहीं कर रही है, फ्रंट लाइनर देने के तक के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ी है सर कि हमें फ्रंट लाइनर में गिना जाए। राइट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। इस आपदा में गवर्नमेंट को नोटिफाई करे हेल्थ क्राइसिस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और फॉर्म डी को जिक्र बार बार कर रहे थे कि हेल्थ क्राइसिस का फॉर्म डी जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर हैं, बहुत सारे रिसर्चर, उन्होंने भी लिखा है कि फॉर्म डी इज द राइट पर्सन। क्लिनिकल फार्मेसी के लिए सर सबसे बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर्म डी ही है, उनके कोर्स वर्क में इंटर्नशिप रहता है प्रैक्टिकल। राइट, 6 साल का कोर्स है सर। डॉक्टर They all are doctors. और कोविड में क्या है, मेडिकेशन का ही मैनेजमेंट है, नॉट रिक्वायर्ड एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। राइट, मुझे लगता है किस तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन है कि रिक्वायर्ड है, डब्ल्यूएचओ ने बकायदा गाइडलाइंस निकाला हुआ है प्रिवेंशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का, लेकर पूरी डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है। इवन यूरोपियन कंट्री में फॉर्म डी जो है काफी वर्क कर रहे हैं कोविड मैनेजमेंट में, इसी वजह से आ गया है। पर इंडिया में क्या है, डॉक्टर को दिखा रहे डॉक्टर की कमी है, हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर की कमी नहीं है, कमी है तो कोई कमी नहीं है सर। हर साल 2 लाख लोग निकलते हैं फार्मेसी से, अलग अलग ग्रेजुएशन से, पर जब फ्रंट लाइन में कोविड ड्यूटी की बात आती है ना तो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट को लगा दिया जाता है, नर्सिंग एएनएम जीएनएम को भर्ती मिल जाती है, पर फार्मेसी की कोई वैकेंसी नहीं आती। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा कि अभी कितने बहुत सारे डेथ हो गया हमारे फार्मासिस्ट का, जिनका कोई रिपोर्ट नहीं है ना, तो पीसीआई के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं। एग्जैक्टली, ना बड़े बड़े हमारे एसोसिएशन है ना उनके पास रिपोर्ट है, तो सिर्फ कहीं ना कहीं एक चीजें नाम की है, बड़ी बड़ी लोग हैं कि 3 लाख एसोसिएशन में है, या तो पीसीआई बहुत बड़ी गवर्न बॉडी है, या कोई बहुत सारे ऐसे हैं, पर किसी पर डेटा नहीं है फार्मासिस्ट का कितना डेथ हुआ है। आइए मैंने डेटा दिखा दिया अपना, बट फार्मासिस्ट के पास कितने डेथ हुआ है कोई डेटा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीजों में कमी है, इस पर हमें बात करने की जरूरत है, और डिबेट के माध्यम से चीजों को इम्प्रूव होगा। आज चुप रहे हैं तो शायद लगता है कि हम 5 साल बाद बात करने लायक नहीं होगा, खासकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम बहुत भी बात करना। जिस तरह अगर फार्मेसिस्ट नहीं बोलेंगे तो आगे की पूरी फार्मेसी गूंगी पैदा होगी सर। राइट, कन्नन जी आप कुछ बात रखना चाहते हैं, आप साइलेंट हैं तो नहीं, साइलेंट नहीं, बात सुन रहे थे सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंक्लूड भी करना है, और सब कुछ देखकर समझ में ऐसे समस्याएं सर पर्सनली बताऊं तो मैं देखता जा रहा हूं, पिछले कई वर्षों से देखा भी हूं, अभी भी बात करें तो भी परेशानी हमें है, और हमें भी उम्मीद नहीं है कि मतलब आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन इस बीच में कुछ ना कुछ रास्ता हम लोग प्रयास करके निकाल सकते हैं। और ये भी है, अगर हमने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई तो पीसीआई को झुकाया भी जा सकता है, झुकाया गया मतलब उनको हम बो डाउन करा सकते हैं इस बात के लिए कि कैसे उन्हें, लेकिन उन्हें बो डाउन कैसे कराएं, तो उसके लिए मैंने जो एमसीपी सिस्टम बनाया है मुझे पूरा विश्वास है कि वो बो डाउन करा देगा। बो डाउन इसलिए करा देगा क्योंकि उसमें हम इतने इतने पावरफुल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे सोसाइटी की तरफ से, हमें सोसाइटी ही रिकमेंड करके पीसीआई के पास ले जाएगी, अब पीसीआई को खुद आके हमें कंसिडर करना पड़ेगा।
तो इसलिए मैं और कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ मैं आप लोग की बातें सुनने के बाद। जितने व्यूवर्स हैं और जो हमारे सिटी हो या पेशेंट देख रहे हो, तो मेरा लास्ट मेरे कंक्लूड में मेरा यही रहेगा कि जो भी डिबेट चल रहा है मीडिया पे, उन चीजों को इग्नोर करें, वो आपके बस डाइवर्ट करने के लिए है। जो आप जो अपनी अपनी जो थेरेपी है, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो या यूनानी हो, सबका अपना अपना बेनिफिट्स है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे ऐसे पेशेंट है जिनको काढ़ा से काम चला गया, कई सारे ऐसे पेशेंट है जिनको एलोपैथी की जरूरत पड़ी है। तो सब चीज नीड के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको उन चीजों पर भटकना नहीं है। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि वो बोल दिया तो इस पे सारे लोग चले जो पेशेंट का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जो काढ़ा से ठीक हो रहा है वो काढ़ा से ही ठीक करेगा, इससे मेडिसिन की जरूरत है एलोपैथी को मेडिसिन पे जाएगा, राइट। तो इस चीजों पर हमें गौर ही नहीं करना है। तो एज ए फार्मासिस्ट की तरफ से मैं फार्मासिस्ट में लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, और वो टॉपिक भी फार्मासिस्ट का है, एज ए फार्मासिस्ट दोनों बनाने वाले हम ही लोग हैं और फार्मासिस्ट कम्युनिटी ही बनाती है। तो फार्मासिस्ट देखा एग्जैक्टली, तो हमने यदि एज ए फार्मासिस्ट यदि अपने जो भी हमारे देश में जो है इंडिया में जितने भी हमको यही सलाह दूंगा कि दोनों का अपने फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि कल के दिन प्रूफ हो गया कि नहीं भैया जीत हो गई आईएमए की एलोपैथी बहुत ही बेटर है, तो कल दिन आप काढ़ा पीना छोड़ दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिससे बेनिफिट मिल रहा है आप वो चीज़ कंटिन्यू रखिए। लाइव में ये सब चीज़ को डिबेट तो होनी नहीं चाहिए थी पहले नंबर इंडिया में। हमारे यही कारण है कि हमारा विश्व में जो हेल्थ सेक्टर का जो रैंकिंग है 147 पोजीशन पे जा चुका है और हेल्थ की प्रायोरिटी सबसे जीरो है। तो भारत सरकार को भी चाहिए डिजिटलाइज करें, हेल्थ सेक्टर की कमी नहीं है, फार्मासिस्ट भारत का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है और हमारे फार्मासिस्ट में एक डिग्री एक कम्युनिटी के नहीं लोग है, डिप्लोमा से लेकर बैचलर मास्टर डी फार्म तमाम सारे से लोग हैं जो कि दवाइयों को और बारे में तमाम सारी नॉलेज रखते हैं। और एक बोला जाता है ना कि एक पेशेंट जो कंप्लायंस हो, एक बेटर ट्रीटमेंट हो, पोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो एंड बेटर वे में हो, तो तमाम सारी चीजें रखने की कहीं ना कहीं एक चीज है, स्किल्स है, तो तमाम सारे एक डिजिटलाइज तरीके से हो। लास्ट में यही कंक्लूड करूंगा, कोई भी थेरेपी बुरी नहीं है। जो फार्मासिस्ट रोहित गुप्ता में मेरा यही रहेगा कंक्लूजन कि आप दोनों का अपने अपने लोगों का जितने भी हमारे इंडिया के जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनको यही बोलूंगा आप काढ़ा पीना, ऐसा नहीं है कि कल दिन अलग पहले पैसे प्रूफ हो जाए तो आप काढ़ा पीना छोड़ दे। काढ़ा से काम चल रहा है तो काढ़ा पीजिए, मेडिसिन के लिए तो मेडिसिन लीजिए। सर साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है मेरे हिसाब से, और जो अलग अलग पैथी है वो अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करती है और हर किसी का जिससे उनको ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट हमेशा उसके तरफ वो झुकता है जहां से वो ठीक होता है, बेटर कम साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, जल्दी रिकवरी होती है। हर किसी का अपना अपना बिलाइव सिस्टम होता है सर, और उसमें एक दूसरे से कॉम्पिटिशन या लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी में जिस तरीके हर अंग का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में साइंस में हर किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोले कंपाउंडर छोटा है, फार्मेसिस्ट छोटा है, नर्स छोटे हैं, डॉक्टर बड़ा है, ऐसा नहीं चलता। सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है, साइंस और पैथी में भी सबका अपना अपना रोल है और उसको अपना रोल निभाने दें। इस तरीके के बकवास डिबेट का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। आप चंदन जी अपनी बात रखिए। सर मैं यही कहूंगा कि ये जो सेशन था एक तरह से शुरुआत है एक बेहतरी के लिए और ये होना ही चाहिए था, ये हो गया, ये अच्छा है और इसके बाद ये होता रहे ये बहुत अच्छा होगा। और हम लोग धीरे धीरे करके जैसे अब चूंकि रोग होता है तो डॉक्टर के बाद फार्मासिस्ट सब कुछ है, तो हम कहीं ना कहीं लड़ के झगड़ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा फार्मूला निकाल के दे देते हैं, या तो वो बात से ठीक हो जाए या फार्मूले की दवा से ठीक हो जाए या कोई मैनेजमेंट ऐसा हम बता देते कि देखो ऐसे ऐसे करने के बाद तुम्हारे कहीं ना कहीं रोग ठीक हो जाएगा। तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है थोड़ा स्ट्रांग बने और ये मान के चले जब इतना कुछ भारत में सब कुछ खत्म है तब भी हम लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, तो कुछ कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जितना एक तरह कह सकते हैं सप्रेस्ड फार्मासिस्ट कम्युनिटी भारत में है विश्व में कहीं नहीं है, और चूंकि इतना सप्रेशन के बाद भी हम कहीं ना कहीं उठ जा रहे हैं तो हमारे अंदर दम है और हम इसको सही तरीके से लेकर आएंगे, सही से अपना एक प्रेजेंटेशन रखेंगे तो हमें सोसाइटी जरूर कंसिडर करेगी और मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। और रही डिसाइड की पैथी बेटर कौन सी है, हु विल डिसाइड विच पैथी इज बेटर, तो पैथी सभी बेटर हैं और इसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट का दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल बातचीत के माध्यम से ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस मरीज के लिए ये पैथी अच्छी है। हो सकता है कि एलोपैथ के साथ आयुर्वेद को जोड़ना पड़े, हो सकता है एलोपैथ के साथ उसको कहीं ना कहीं हमें योगा से भी जोड़ना पड़े, तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो
सभी पैथी बेटर हैं और डॉक्टर फार्मासिस्ट मिलकर इसको डिसाइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और यही सही है। अरे आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वैसे भी सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, जो पैथी अच्छा काम करेगी वो अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा करते हैं, बट हाँ तो जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो जो भी मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है, पीसीआई के प्रति आ रहा है, जॉब के गवर्नमेंट जॉब के प्रति आ रहा है, तो हम सारे ऐसी चीजों को कमेंट दे के देन नेक्स्ट सेशन विल डिसाइड कि क्या टॉपिक होना चाहिए। और ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा और कोशिश रहेगा कि अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाएं। बहुत कम व्यूवर्स अभी भी हैं कि जुड़े हुए हैं, तो लोगों को कहूँगा कि जितने भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें कि नहीं मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मेरी ये राय है, तो आप रख सकते हैं ये ओपन प्लेटफॉर्म है ताकि आप सब अपनी बात रखें, लोग सुने। हम जो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए, कहीं नहीं कि पेशेंट सेफ्टी को लेकर हम बात कर रहे हैं, कहीं नहीं एक पेशेंट को ही बेनिफिट चाहिए, एक कम्युनिटी को बेनिफिट तो पहुँचता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट को बेनिफिट पहुँचे, राइट। तो डेफिनेटली आगे जो सेशन और रखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच हर्ष यादव जी, रंजन जसवाल जी, थैंक यू सर, रोहित सर फॉर गिविंग अस सच अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट एंड रेज द वॉइस ऑफ फार्मासिस्ट। या सो गाइस प्लीज जॉइन अस, थैंक यू वेरी मच सर। हर्ष सर आपका भी धन्यवाद, थैंक यू चंदन, थैंक यू।